तो फ्रेंड्स, अगर आपने IDFC बैंक से कोई लोन ले रखा है और आप उस लोन को इस समय नहीं चुका सकते हैं, इस समय उस लोन को चुकाने में असमर्थ हैं, आप चाहते हैं कि उस EMI को आगे बढ़ा दें, तो फ्रेंड्स आप किस तरह से मोटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं IDFC बैंक में, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहे, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपको जा करके टाइप करना है IDFC फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पर मैंने पहले ही टाइप किया हुआ है, देख सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है IDFC फर्स्ट बैंक और उसे सर्च कर लेना है। फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, जो पहला ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से IDFC फर्स्ट बैंक की जो वेबसाइट है खुल करके आ जाएगी। आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मोटोरियम के लिए अप्लाई करने का एक क्लिक हियर का लिंक दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप क्लिक करके मोटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको इस क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पहले अपना लोन का जो नंबर है वो डाल देना है, लोन नंबर डाल देना है, और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको सर्च डिटेल पर क्लिक कर देना है और OTP के लिए ओके कर देना है। जैसा कि देख सकते हैं, OTP मेरे मोबाइल फ़ोन पर आ चुका है। तो यहाँ पर इस OTP को आपको डाल देना है। देखिए, यहाँ पर आपको वो OTP डाल देना है जो OTP आपका आपके मोबाइल फ़ोन पर आया है। और OTP डालने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। ये जो सबमिट डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर OTP नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही एक बार यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, तो दोबारा अप्लाई मैं नहीं करना चाहता। आप यहाँ पर OTP डाल दें। OTP डालने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। आपको 1 से 2 दिन में आपको एक मैसेज आएगा और आप कि जो EMI है, जो आपका मोटोरियम है, वो लागू हो जाएगा, आपकी जो EMI है आगे बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप IDFC फर्स्ट बैंक मोटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी EMI को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।